महिलाएं दुनिया की आधी आबादी का हिस्सा है, वो किसी भी मामलों में पुरुषों से कम नहीं है। समाज की प्रगति में जितना बड़ा योगदान पुरुषों का है, उतना ही महिलाओं का भी है। लेकिन फिर भी तमाम जगहों पर आज भी महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर और सम्मान नहीं मिल पाता। आज भी बराबरी का हक के लिए उन्हें कई मोर्चों पर लड़ना पड़ता है। महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ावा देने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के मकसद से हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आइए आपको बताते हैं इस दिन को मनाने के लिए 8 मार्च की ही तारीख को क्यों चुना गया, कैसे हुई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वास्तव में एक मजदूर आंदोलन की उपज है। इसकी शुरुआत साल 1908 में हुई, जब अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में करीब 15,000 महिलाएं अपने हक के लिए सड़कों पर उतरी थी। इन महिलाओं की मांग थी नौकरी के घंटे कम करना, काम के हिसाब से वेतन देना और साथ ही मतदान का अधिकार। महिलाओं के इस विरोध प्रदर्शन के एक साल बाद अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने पहले राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने की घोषणा की थी। महिला दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का विचार एक महिला क्लारा ज़टकिन का था। क्लारा ज़टकिन ने वर्ष 1910 में विश्व स्तर पर महिला दिवस मनाने का प्रस्ताव किया था। क्लारा उस वक्त यूरोपीय देश डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में कामकाजी महिला की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रही थी। वहां मौजूद सभी महिलाओं ने उनका समर्थन किया और साल 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में पहली बार महिला दिवस मनाया गया। इसके बाद 1975 को संयुक्त राष्ट्र ने महिला दिवस को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी और इसे मनाने के लिए 8 मार्च की तिथि निर्धारित की। तब से हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को ही सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम निर्धारित की जाती है। साल 2024 की थीम है इंस्पायर कंक्लूजन। इसका मतलब है ऐसी दुनिया जहां हर किसी को बराबर का हक और सम्मान मिले। वही बात करें पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम की, तो एम्ब्रेस इक्विटी पर रखी गई थी।